जी सर, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका काम वगैरह? जी बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त। चले, ये लास्ट ईयर हमने कंप्लीट किया था आपका प्रोजेक्ट ना, वेबसाइट भी इसका कैटलॉग वगैरह भी बेसिक चीज़ें स्टार्ट की। अच्छा, होता ये है कि आप एडवांस साइट लॉन्च करेंगे, सबसे पहले आप बेसिक लॉन्च करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो आप एक बेसिक में आप ये करते हैं कि जो आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, या फिर कुछ पिक्चर्स दिए, कुछ डाटा दिया, कुछ कंटेंट दिया, कुछ आपने आउटलाइन दी, तो एक बेसिक हम ड्राफ्ट करते हैं कि इस डाटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर हम कितना है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी आपने दिया 20% डाटा, हमने उसमें अपनी पूरी कोशिश करके उसको 80% तक दी कि आपकी कोई भी चीज़ उसमें कमी ना हो। ठीक है, यानी आपने कंटेंट के अंदर हेडिंग दी तो उनकी थोड़ी थोड़ी तफसील आ जाए, आपने कुछ पिक्चर्स दी या उनकी प्रेजेंटेशन कुछ पिक्चर्स के साथ हो जाए, कुछ कंटेंट के साथ हो जाए, और एक बेसिक प्रोफाइल आपकी बिजनेस की बन जाए। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट प्रोफाइल की शक्ल में है, फ्लायर पेजेस का वो भी आपके पास है, वेबसाइट वो भी आपके पास है। अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके कुछ अवेलेबल थे, कितने इंटैक्ट हैं हमें नहीं पता क्योंकि सोशल मीडिया टीम ने आपकी टीम नहीं। तो यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके ऊपर हमने क्या किया कि आपकी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन, ताकि आपकी पहली जरूरत पूरी हो, आप मार्केट में जाएं, लोगों से मिलें, उनको बताएं ये मंदिर चल रही है, मंदिर कर लेता है, तो आपकी पहली फेज की जरूरत पूरी हुई। अच्छा, अब सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज में हम यानी एक क्लाइंट विजिट करता है तो वेबसाइट उसको आपके साथ देती है, सेकेंड चीज उसको अट्रैक्ट करती है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, कि आपका पोर्टफोलियो, अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो के अंदर आपकी डेली की एक्टिविटीज होती हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, आपके टूअर्स होते हैं, आपकी एक्सपीशन होती हैं, आपकी बाइक की ट्रेनिंग होती है, ये यानी आपका लाइव डाटा चल रहा होता है, लाइव एक्टिविटीज चल रही होती हैं जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं क्लाइंट को कि वी आर रियली डूइंग समथिंग। हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हम वर्कशॉप भी करते हैं, हमने ये नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, ये हमारे नए क्लाइंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी आपकी टीम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रही है ना, और एग्जैक्टली इंटरनल रिपोर्ट भी आपकी चल रही होती है, सारा कुछ आपके पास है। ठीक है, लेकिन ये उसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा उसका। ठीक है ना, यानी हम क्या करते हैं, हम अभी हमारी वेबसाइट 30% एक्सपोजर दे रही है हमारे क्लाइंट को, यानी हम हमारा क्लाइंट इस पे जाता है तो उसको 30% एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, कि ये इनकी ये यानी बिजनेस लाइंस हैं, ये सर्विसेज देते हैं और ये चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास उसके क्रॉस फैक्ट्स नहीं है कि उसकी ज़्यादा तसल्ली वहीं हो जाए, बजाय वो आप आए और आपसे 80% मजीद चीज़ें लें उसको वहीं दे। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, सपोज मैं साइट पे जाता हूँ, मैं गैलरी में जाके देखता हूँ कि यार ये तो ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी करवा रहे हैं, इनकी चंद वीडियोस भी पढ़ी हैं, इनका जो शेफ है बोलता है बड़ा अच्छा बोलता है। ठीक है, आपके शेफ का चैनल ही नहीं है। ठीक है, उसको चाहिए कि कोई यूनिक किस्म की रेसिपीज बना के उसके ऊपर बताए। अच्छा, तो अब अभी मैं उस तरफ नहीं आ रहा, फीडबैक की तरफ, एक अलग से काम। पहली चीज़ आप कम से कम ये ज़रूर करना चाहिए कि आपका यहाँ पे एक जो है ना कम से कम 10 एल्बम होने चाहिए आपके इवेंट्स के, न्यूज के, अवार्ड्स के, अचीवमेंट्स के। ठीक है, और जैसे इसमें अब हमने डाली होंगे एक एक पिक्चर, लेकिन इनको एक्सपेंड करें, क्लाइंट्स को एक्सपेंड करें, ये आपने किचन्स दिए हैं इनको एक्सपेंड करें। ठीक है, आपकी कोई वर्कशॉप के अपने नाम डाले हुए हैं लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज कोई एक, अब देखें उसमें कुछ मीटिंग्स डाल दें, कुछ वेन्यूज डाल दें, कुछ नए किचन्स डाल दें। ठीक है, कोई इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी डाल दें। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट करें। आपकी टीम भी उसमें आती है, आपने टीम के 3-4 लोग नॉलेज निकाल लें, अभी तक उतने ही, तो अगर आप अपनी टीम को प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आप यानी ये आपकी मुल्तान की टीम है, लाहौर की टीम है, इस्लामाबाद की टीम है, कराची की, इस तरह से है, तो अपने टीम के स्ट्रक्चर को भी पूरा करें ताकि जो वेबसाइट विजिट करता है तो उसको अगर एचआर डिपार्टमेंट को मेल करना है तो उसको पता हो कि ये सब एचआर को लिखते हैं, ये इनके सीईओ हैं, ये इनके फलाने। ठीक है, तो आपकी टीम पूरी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और आपकी एक्टिविटीज़ पूरी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ कंपनीज की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि जी हमारा पर्सनल डाटा होता है, खाना नहीं खाना चाहिए, तो और कुछ नेचर ऑफ बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है,
जहाँ पे वो खुद अपने आप को किसी हद तक रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है ठीक है। लेकिन उसमें से अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सकते हैं, पूरी साइट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ अपना पोर्टफोलियो बेहतर करें, ये यानी कहीं और इन्वेस्ट वेबसाइट के हवाले से करने की जरूरत नहीं, आपकी ये जरूरत पूरी होनी चाहिए जब भी आप करना चाहें अपना पोर्टफोलियो बेहतर, ठीक हो गया ठीक है। अच्छा, सेकेंड में जब आपका पोर्टफोलियो बन जाता है तो अगली चीज़ आती है ब्लॉग। अच्छा, अब लोग वेबसाइट से लेना क्या चाहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव बड़े हैं ना कि आपने एक वेबसाइट बना ली है, अब आप उससे चाहते ही कुछ नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन आप उससे चाहते हैं कि इम्पैक्ट अच्छा हो, ठीक है, लोग जब विजिट करें तो उन्हें वो कहेंगे जो कैटरिंग की साइट की है ना वो कमाल, मतलब जैसी हम क्या करते हैं। अच्छा, अब हम रिकमेंड क्यों करते हैं, रिकमेंड करने की वजह क्या है, रिकमेंड करने की वजह ये है कि जब मैं देखता हूँ कि मार्केट की टॉप 10 कैटरिंग की कंपनी की वेबसाइट्स कैसी होती हैं, ठीक है, तो एक तो वो इस तरह की होती हैं, लेकिन दूसरी उसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं, तो हमने वो स्टैंडर्ड मीट करने हैं ना कि अगर दूसरों ने पोर्टफोलियो डाला है तो हमें भी डाल रहे हैं, और दूसरों ने अगर ब्लॉग्स लिखे हैं ठीक है, तो पहली चीज़ पोर्टफोलियो की क्लियर होगी, दूसरी चीज़ है ब्लॉग, आप अपने कंपेटिटिव एनालिसिस में रखें कि दूसरे ने ब्लॉग लिखे होंगे, ब्लॉग बहुत है ठीक है, एक तो आपकी प्रेजेंटेशन है, दूसरा है ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग में आप क्या करते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, रिव्यूज लिखवाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, यानी जो इवेंट्स हम दिखा रहे थे ना उन इवेंट्स की आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, यानी आपने नया किचन बनाया, किचन की एक रिपोर्ट भी लगा दें अखबार में भी दे दें, पेपर में भी दे दें, स्टोरी बनेगी, स्टोरी लग जाएगी। अब क्या होगा कि आपकी एक डेढ़ साल के अंदर आपकी 10-15 स्टोरीज आ गई, 10-15 ब्लॉग्स आ गए, ठीक है, और नई नई जो आपने डिशेज इंट्रोड्यूस करवाई उसके ऊपर आ गए, यानी रिपोर्ट भी आ गई, और उसके ऊपर क्या हुआ आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी लिखते हैं, उसके टेक्निकल साइड भी लिखते हैं उसकी, उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स लेते हैं, टेक्निकल लोगों के कमेंट्स लेते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है क्लाइंट का, स्टेक होल्डर्स का, वो आपका उसके अंदर डॉक्यूमेंट हो जाता है। अच्छा, अब अपनी ये चीज़ आपके SEO के लिए, या जब लोग बैठ के गूगल पे सर्च करें कि पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी कैटरिंग की टॉप कैटरिंग, ठीक है, अच्छा अब वो क्या लिखेगा, वो बेस्ट नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा कि मैंने शादी के लिए फंक्शन करना है, मैंने कैंटीन ओपन करना चाहता हूँ, तो वो कुछ वर्ड्स हैं जो वो यूज़ करता है, ठीक है, आपको कॉल होती होगी कि आप ये करते हैं, आप ये वाले करते हैं, तो जो उनके FAQs हैं, जितने सवाल हैं, तो आप वो सारे सवाल वहाँ पे रखते हैं, उसके रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो आप वहाँ पे रखते हैं, जो उन क्वेश्चंस को डिटेल से सर्व कर सकें, ठीक है, तो यानी आप सेफ्टी के स्टैंडर्ड कैसे रखते हैं, फूड का और मिनरल, जो भी आपकी टेक्निक्स, यानी किस किस तरह से वो चीज़ें आप पूरी करते हैं, क्लाइंट के क्वेश्चन से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को डॉक्यूमेंट करके वेबसाइट पर डालते हैं, तो अब क्लाइंट को वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, प्रेजेंटेशन मिल रही है, एक्टिविटीज़ में पोर्टफोलियो में पूरा मिल रहा है, ब्लॉग साइट पर उसको पढ़ने सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये चीज़ें लिखी होती हैं तो जितने लोग आपसे जुड़े हुए, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है, आपका जब कोई ब्लॉग शेयर होता है सोशल मीडिया के ऊपर, जब उनके इंटरेस्ट की 15-20 चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर हो जाएंगी तो वो काम करते हैं कि ये ब्लॉग लिखते हैं, पढ़ूंगी 15-20, क्लाइंट जब कमिट करेगा तो वो आएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ आपका पोर्टफोलियो मुकम्मल होना चाहिए, जाहिर है उसके लिए एक सर्टन बजट होगा, ठीक है, आपने 400-500 फोटोज़ को सॉर्ट आउट करना है, उसके एल्बम बनाने हैं, कवर बनाने हैं, प्रॉपर आपने लगा देना है, ये एक एक्सरसाइज है, तो अगर थोड़ी करनी है तो भी ठीक है, डिटेल से करनी है तो आपने कैलकुलेट करना है, अगर आपका वर्क की वॉल्यूम ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा चीज़ें निकालेंगे, अगर कम है महदूद है तो नहीं निकालेंगे, और अगर आपको लगता है कि अभी जरूरत नहीं है इन फ्यूचर देखें, सेकेंडली ब्लॉग, पहली चीज़ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लॉग बना लें और प्रेजेंट करने के लिए कुछ बनाए, तो आप पहला पैसा कहाँ लगाएं, ब्लॉग के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए उस पर एफर्ट करें, आपका ब्लॉग बेहतरीन बन गया तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन बन गया तो आप ब्लॉग में आप खुद लिखें, आप अपने इम्प्लाइज के इंटरव्यूज करें, अपने सीनियर्स के इंटरव्यूज करें, क्लाइंट से वीडियो पे लें, ठीक है, उसको टेक्स्ट बोलें, तो ये आपकी सारी सक्सेस की अचीवमेंट्स होती हैं, आप उसको करें, जो हम नॉर्मली वहाँ पे हो भी रहा होता है ना, हो भी रहा, बेसिकली क्या होता है हमारे पास वो इनपुट या फीडबैक फॉर्म जो होते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं वो हमारे पास रहते हैं, और जहाँ जहाँ कोई कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी सजेशन आ रही होती हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि वो इस पे ट्रांसमिट एग्जैक्टली सब कर दे, हाँ सोशल मीडिया पे, हाँ
कम अज कम 20-25 बेहतरीन आर्टिकल्स उनको इतना लोड भी लेंगे फोटोज को लेंगे ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स जो रिटर्न आर्टिकल्स नहीं लेंगे वो एक उन्होंने हेडर की इमेज देनी है नीचे आर्टिकल लेने के आर्टिकल पे मेहनत होगी अच्छे आर्टिकल अच्छा मुझसे नहीं लिखवाए खुद लिखे रियली रियलिटी जो जेन्युइन फीडबैक है कोई गुड ठीक है। आप अपनी कंपनी के बारे में लिखो कुछ भी जो आपके जहन में है, दूसरा एम्प्लॉई के तीसरा एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ये इस तरह की चीजें उसके ऊपर लिखना है ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को मेंटेन ठीक हो गया। गुड आईडिया। तो आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन हो उसके बाद आपके टेस्टिमोनियल्स लोगों के कमेंट्स के बाद कम से कम 20-25 लोगों के कमेंट्स होने चाहिए साइट बहुत अच्छी है यस काम बहुत अच्छा है इनका इनकी सर्विस बहुत अच्छी फूड अच्छा है क्वालिटी अच्छी है सर्विस अच्छी है हर चीज वेल ट्रेंड है प्रेजेंटेशन अच्छी है एग्जैक्टली आपने सिर्फ खाने पे एक ही चीज पे सारे कमेंट्स नहीं डाल देने या एक ही चीज पे सारे फोटो नहीं डाल देने एक ही चीज के ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिख देने आपकी अगर 20 सर्विसेज हैं तो हर सर्विसेज पे थोड़ा 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 आ जाए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए हर चीज एक्नॉलेज हो जाए प्रेजेंट कर दी उस एविडेंस फोटो और एक्नॉलेजमेंट उसकी फिर आ जाए ग्रेट ठीक है। तो आप यानी पहला फेज तो यही होता है बेसिक लॉन्च होगी आगे जाना है तो सबसे पहले आप जाएँ फोकस करें अपने बेहतरीन फोटोग्राफीज के यानी आपकी फोटोग्राफी की एंड से प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो जाए उसके बाद ब्लॉग से उसको इम्पावर करें रिटर्न हो लोग पढ़ने में भी पढ़ें फिर आप वीडियोस में ले जाते हैं यूट्यूब चैनल को अलग से मेंटेन करें आपने तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इन हाउस आपकी बन रही होती है छोटे छोटे आप टिकटॉक पे बनाएं वो सारी यूट्यूब पे जाओ अच्छा अब हम वेबसाइट पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन बात ये है कि क्या इस कंटेंट को प्रोफाइल को हमने बना दिया है टेक्स्ट को हमने बना दिया ये कंटेंट क्या आपका आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जा रहे हैं कि नहीं ये हम किसी को ऑथराइज करें एग्जैक्टली और वो उसको इंश्योर करे वहां पे एग्जैक्टली जो भी अपडेट करे अपडेट करे। अब उसके अंदर क्या है कि जो चीजें हम वेबसाइट पे बना रहे हैं ये चीजें वेबसाइट पे तो हम महदूद लगाएंगे लेकिन ये एक्टिविटी आपकी रूटीन में चलनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा ना हो दो दो तीन दिन हो थोड़ी थोड़ी हो लेकिन कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपका खाली नहीं होना चाहिए जब वो विजिट करें तो उसको लगे क्योंकि देखिए क्लाइंट का माइंड क्या है जो फेसबुक यूज करता है वो फेसबुक पे ही है जो लिंक्डइन यूज करता है वो लिंक्डइन पे है जो इंस्टा यूज करता है वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है तो अगर मैं एक यानी मैं अगर लिंक्डइन पे हुई ठीक है तो आप लिंक्डइन पे लगाते रहे मुझे फायदा उसका जितने भी हैं सोशल मीडिया अकाउंट हर सोशल जो कि हम बना चुके हैं वो अपडेटेड भी एक्टिव होने चाहिए बिल्कुल लोग जहां पे भी फिर रहा है वो वहां अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव ही नहीं है तो ये इंपैक्ट जाता है कि इनका पीछे यानी सपोज किसी ने कोई मैसेज कर दिया आपका सोशल मीडिया और उसके ऊपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क फोटो एल्बम ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जरूर हो ताकि जो विजिट करे उसको लगे कि प्रॉपर सारा कुछ चल रहा है क्योंकि वहां से अट्रैक्ट होकर उसमें आना वेबसाइट पे Good, good. अच्छा अब आपने पोर्टफोलियो भी बना लिया आपने ब्लॉग्स भी लिख लिए आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मेंटेन अपडेट हो गए अब आपने सोशल मीडिया अकाउंट मेंटेन कर लिए हैं लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा सोशल मीडिया अकाउंट मेंटेन है अब आप चाहते हैं कि जी हमारी हजार हजार की फॉलोइंग भी है सब कुछ है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका बेहतर इम्पैक्ट आए बेहतर इम्पैक्ट के लिए आप कम्युनिटी आर्ट बनाएंगे पोस्ट कार्ड्स जिस तरह आपका ब्रोशर होता है इसी तरह आपका पूरी किट बनाएंगे ठीक है आप ब्रांडिंग करते हैं जैसे वो मग बनाते हैं शर्ट्स बनाते हैं ठीक है तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं सोशल मीडिया पर आप गिफ्ट आइटम बनाते हैं टेक अवेज होते हैं आप एजाजी सर्टिफिकेट किसी को देते हैं ठीक है किसी क्लाइंट को कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट देते हैं कोई कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देते हैं तो ये सारी चीज़ें जब आप बना रहे होते हैं तो ये सोशल एक्टिविटीज आपकी रूटीन में चल रही होती हैं कभी केक कटिंग सेरेमनी कर ली कभी लेक्चर कर लिया फ्लान कर लिया वो सारी एक्टिविटीज आपकी सोशल मीडिया पर जाती हैं और बजाय उसको रश अकल में लेके जाने के उसका आप एक प्रॉपर पोस्ट कार्ड बना आप उसमें कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट उसमें कोई आपके डिस्काउंट पैकेजेस कोई इवेंट डिस्काउंट कोई ईयरली डिस्काउंट कोई न्यू रिलीज तो पल्स है बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को एंगेज रखने के लिए कम्युनिटी को एंगेज रखने के लिए आपने कुछ ना कुछ ऐसा देना है जो कॉन्टैक्ट करना है आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आपने अपने क्लाइंट्स को लेके नहीं आए सोशल मीडिया के ऊपर ऐड ही नहीं किया या उनके पेजेस में जाके लाइक ही नहीं किए यानी आप फूड रिलेटेड या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी साइट पे जाके उनको भी टेस्टिमोनियल शबीर साहब खुद भी लिख रहे तो आपकी टीम अच्छे टेस्टिमोनियल्स उनकी तरफ से एजाजी अपने एम्प्लॉइज के लिए अपने
सीनियर्स के लिए, तो इस तरह की एक्नॉलेजमेंट हो, अपनी कम्युनिटी को दें, स्टेक होल्डर्स को दें और उनसे भी उसको कलेक्ट करें इनका हिस्सा बने, ताकि जो विजिट कर रहे हैं साइट या आपका सोशल मीडिया वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि ये जो है ना ये काम इनका बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपका सोशल मीडिया का भी बैलेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट तो बहुत अच्छी बना ली है, सारा खर्चा इधर लगा दिया, मैं नहीं कह रहा सारा इधर ले, ठीक है, यानी ये कर लिया, तो अगर आपने उधर ही कुछ नहीं किया तो अभी इधर लगाने की बजाय आप उसको मेंटेन करें पहले। देखिए पहले सबसे पहली चीज़ पोर्टफोलियो में पहली चीज़ ये है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट सारे मेंटेन करें और ये आपने अनाउंस कर, ठीक हो गया। मतलब ये किसकी हम क्या क्या आज क्या समझते हैं प्रैक्टिकली, जाहिर है आपने मेरा ख्याल है कि मेरे कम से कम तो 5-7 हज़ार तो अकाउंट आप देख रहे होंगे ना, यानी अपने उसमें आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए क्या कोई डेडिकेशन चाहिए होती है, कोई बंदा चाहिए होता है या कोई टीम इंटरनली करती है, कौन लोग करते हैं नॉर्मली? अब होता क्या है, प्रैक्टिस क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जी बस हमारी ऐड लगाते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि किसी को दे दिया आपने ये करना है, ये इसको पकड़ के हमारी ऐड लगाते हैं, आपकी ऐड जा रही है लोगों तक जा रही है, लोग ऐड कर क्लिक करते हैं ऐड के ऊपर और आपकी साइट पे आते हैं तो आपकी साइट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, उसकी हेल्प पे कोई फायदा कोई नहीं है, अच्छा सेल भी हो जाती है उससे, ये भी नहीं एक सेल ही होती, ठीक है। बात यह है कि एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, हम ये कहते हैं कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ये लास्ट बुलेट है, पहले आप अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट और ये सारा वेल मेंटेन है और प्रॉपरली अपडेटेड हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे एडवर्टीजमेंट, अदरवाइज एडवर्टीजमेंट का नुकसान भी होगा, जब वो आएगा तो आप उस कैटेगरी में ये तो कभी भी कंपनी अच्छा वो बैड इम्पैक्ट इम्प्रेशन होगा लोगों को अच्छा अच्छा अब आपने उसमें क्या करना है, उसमें उठा के कोई ऐसा ब्लॉग लगा दिया, कोई ऐसी पोस्ट लगा दी जो पोस्ट आपसे रिलेटेड ही नहीं है, आपके बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के पल्स को मिजाज को नहीं समझता, तो आप इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं इसको इनिशिएट इन हाउस, आपको खुद पता ही नहीं है और आपने उठा के किसी और को बता दिया लगाओ तो वो आपके लिए क्या प्रयोग करेगा। ये इसकी एग्जांपल मेरे जहन में ये आ रही है कि पिछले दिनों एक एसओपी जो है उन्होंने डिज़ाइन करवाया, वो आपकी आपने आउटसोर्स करवा के दिया, वो जब कंटेंट आ गए बड़ा सारा कुछ, मैं खुद उसको देख रहा था, थोड़ा सा मैं अपसेट था क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये उस लेवल का हो जो टेक्निकली मैं उसको कम अज़ कम मैं तो एग्री करूँ ना उसको एग्री करूँ और मैं फिर बाद में उसको डिफेंस भी कर सकूँ, लेकिन हमारी चूंकि क्लाइंट की ज़रूरत भी थी हम समझ भी रहे थे, उस पर हमारे फिर एतराज़ लगे, वो मुझे भी पता चल रहा था कि ये चूंकि ऐसी टीम के थ्रू बन के आया है जो वो दे डोंट हैव अ नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी देखिए अब बात ये है कि सोशल मीडिया पर अभी हमने वो काम उस थर्ड आउटसोर्स करने की बजाय हमने क्या किया, आपने अलाइन नहीं किया ना, आपने अलाइन नहीं किया, आपकी तरफ से क्या उसको एक्नॉलेजमेंट हुई, ठीक है, यानी हमने एक ड्रॉफ्ट बना के दे दिया आपने उसको बगैर पढ़े अप्रूव कर दिया, अच्छा अब वो मार्केट में जाएगा तो वो क्या इंपैक्ट होगा, तो आपके साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो वो क्या है कि इसके लिए टेक्निकल पर्सनल को इन्वॉल्व होना, हाँ वहाँ पे वो आईटी की जो सपोर्ट है वो आउटसोर्स कर ले, लेकिन टेक्निकलिटीज जो है हर बंदा देखे, अब इस वक्त जो है वो सोशल लाइफ और रियल लाइफ में भी फर्क नहीं है, ठीक है, बेसिकली आप आपने डॉक्यूमेंट कर दिया अपनी पूरी रियल लाइफ में, तो आप कंपनीज इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, यानी उनका हर बंदा अपना अकाउंट बना के अपनी कंपनी को, ठीक है, तो जो इंटैक्ट हैं और बैठ के प्रमोट कर रहे हैं वो उसके बेनिफिट भी ले रहे हैं, तो आप अगर उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं, अब देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक कैटरिंग कंपनी है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, उसकी पोस्ट कार्ड भी लगती है, ब्लॉग्स भी लिखते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और एक दूसरी साइट है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो जो सोशल मीडिया पे गया उसने कितनी देर में कैलकुलेट कर लेना है बेहतर जो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ एक्टिव नजर आ रहे हैं वो तो उसके लिए अट्रैक्शन वही है, exactly. वो ऑनलाइन देख रहा है, अब क्या है कि लेकिन इसको आप जानते हैं सर हमारा क्लाइंट जो है ना वो शायद सोशल मीडिया से ज्यादा, मैं मतलब एक और एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा,
कि हमारा क्लाइंट शायद ऐसा नहीं है जो इस सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करता हो, ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक को सर्विस नहीं दे रहे, हम सर्विस दे रहे हैं एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग इंटैक्ट नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज को महदूद कर देते हैं सोशल मीडिया, सिफर नहीं करते। अच्छा, आप जैसे आप कहते हैं ना कि मैं कहता हूँ आप इस पर 500 फोटो लगा, आप कहते हैं नहीं हमारी प्राइवेसी को, आप 10,000, 50,000 यानी क्वालिटी पिक्चर्स लगाए थोड़ी जो वैल्यूएबल हो, जो सोशल मीडिया आप कहते हैं सोशल मीडिया से नहीं मिलता अपना नाम, लेकिन थोड़ी सी कुछ ना कुछ और मेंटेन लगना चाहिए, अकाउंट बिल नहीं लगना चाहिए, हां सिफर ना हो, सही ठीक है, दैट आप ना करें, आप कम से कम 3-4 कैटेगरी कंपनीज देखें, वो देखें क्या वो सोशल मीडिया पे अलाइन है, अगर आपका कंपेटिटर अलाइन है तो आप होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सपोज अगर मैंने एक प्रोफाइल आपकी डिजाइन करनी है तो क्या मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं पहले देखूँ कि कैटरिंग की 8-10 कंपनियाँ किस तरह बात करती हैं, कैसे प्रेजेंट करती हैं, क्या स्टाइल होता है उनका, तो उनके स्टाइल में से लेके मैं कम से कम ये तो कोशिश करूँगा ना कि इससे बहुत अच्छी ना हो तो बहुत बुरी भी ना हो। तो जब आप सोशल मीडिया को कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छा बनाए सबसे, बहुत बुरा भी करना बनाए, ठीक है, कम से कम एक बैलेंस सर्विस को भी होनी चाहिए, ये सब तक हो जाए, ठीक है। अच्छा, यानी आप कोई भी चीज़, यानी मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सारी ऐप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते नहीं, मेरा एक क्वेश्चन वहीं पे रह गया कि टीम जो है वो इन हाउस में हम क्या समझते हैं, आप तो आप भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट तो आपका है ना, देखिए किन लोगों को यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ी, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप बड़ी, एक बंदा ऑन कर। अच्छा, आप एक ऐसे बंदे को आप दे देते हैं जिस बंदे को वैसे ही कोई प्रॉब्लम है सोशल मीडिया से, ठीक है, वो कभी कुछ भी नहीं करेगा, वो ऑलरेडी डरता है डिवाइस से, खुद एक्टिविटी नहीं, उसकी शख्सियत नहीं, वो इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड होते हैं ना, एक बंदा इनर वर्ल्ड है, अकाउंटिंग का फाइनेंस है, उसको आप मार्केटिंग करवा रहे हैं, वो तो कर ही नहीं पाएगा, जैसे मैंने शूज वाली एग्जाम्पल दी, वो कभी लेडीज को डील ही नहीं किया। अब एक बंदा सोशल मीडिया के ऊपर उसने कोई बैठता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही उससे नहीं है, वो फिनांस का बंदा है, आपने उसको गा के कम से कम थोड़ा सा तो उसके अंदर होना चाहिए ना, यानी देखिए आप कुकिंग करवा रहे हैं बंदे को, जिसको सोचा है थोड़ा बहुत तो आता हो ना, ठीक है, तो उस बंदे को सिलेक्ट करें जिस बंदे को कम से कम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आपके इंटरनल रिसोर्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप देखें किसको है जिसको है, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहली चीज़ हम आ गए पोर्टफोलियो ब्लॉग्स और सोशल मीडिया मेंटेन लेवल पे, फिर उसके बाद आप उसके वो बना लेते हैं पोस्ट कार्ड वगैरह, वो प्रॉपर भी निकालते हैं, ठीक है, तो आपकी हर जगह पे प्रेजेंटेशन को करेंगे, उसके बाद आपकी यानी जो भी है सोशल मीडिया के ऊपर, फिर थोड़ी सी ऐसी होती है आप, यानी जब आपका ये चीज़ें कॉन्टेंट क्रिएट कर देती हैं जेन्युइन कॉन्टेंट, जो आपने पिक्चर्स डाली हैं जेन्युइन है, जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं जेन्युइन है, जो आपने एक्टिविटीज डाली हैं वो जेन्युइन है, जो आपने सोशल मीडिया पे डाला है अकाउंट्स बनाए हर चीज़ वो जेन्युइन है, जब आप इनसे कंटेंट को रिवाइज करके आप बनाते हैं कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स आपको बनाने नहीं पड़ते, आपने आर्टिकल को मैंशन कर दिए, हर जगह आपकी स्टोरी बनती जा रही है, ठीक है। अब वो स्टोरी अब मैं एक चीज़ बताऊँ, गूगल एक इंटेलिजेंट मशीन है, इंटेलिजेंट ब्रेन, ठीक है, जब आप लिखते हैं किसी कंपनी के बारे में तो उसकी रैंकिंग, यानी आप चाहते हैं कि आप लिखें एसएमबी कैटरिंग का आप लिखें या जितने भी कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप सर्च करें, तो कब कैसे खुलेगी, जब तक आपने किसी की स्पॉन्सरिंग नहीं है, क्वेश्चन आंसर में नहीं है, ब्लॉग्स में नहीं है, फोटोज में नहीं है, एक्सप्लेनेशन में नहीं है, वीडियो में नहीं है, वॉइस में नहीं है, आप अपने कॉन्टेंट को इनरिच करते हैं, ठीक हो, जब इनरिच अपॉर्चुनिटी है सर, इनरिच करते हैं तो फिर वो पब्लिकली आगे चीजें ग्रेट हो गया। चल, अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है कि हम लोग इंटरनेट में ये ईमेल कम्युनिकेशन वो एक प्रॉब्लम था। अच्छा, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि हम एड्रेस करते हुए इसी सेशन में। अब होता क्या है कि जब हम एक यानी
वेबसाइट का एक प्रीमियम थीम और ये सारी सेटिंग्स वगैरह करते हैं उसकी, तो कम से कम 1 से 1.5 GB स्पेस ले जाती है, उसका बैकअप वगैरह भी बनाना होता है, तो 1.5 से 2 GB के अराउंड कम से कम एक छोटी वेबसाइट यूज करती है। अगर साथ आपने कैटलॉग पोर्टफोलियो वगैरह बना दिया तो हम तकरीबन एस्टिमेट करते हैं 2-3 GB के अराउंड एक अच्छी हेल्दी मीडियम साइज की वेबसाइट कितनी स्पेस है, ठीक हो गया, फिर आपकी ई मेल स्टार्ट करें। अब ई मेल में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, सिर्फ आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को, एक कंपनी के 100 एम्प्लॉइज हैं, सब अकाउंट क्रिएट कर देते हैं अब, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सब कुछ इसी तरह शुरू कर देते हैं और फिर डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर एक डॉक्यूमेंट में आपको एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एनालाइज किया आपका एक अकाउंट एनालाइज करके मैंने समरी भेज दी रहा हूँ, मैंने कहा जब आप फैसला करें आपकी डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या किया है कि एक 28 MB 20 MB अब उसको उन्होंने अटैक सेंड किया हुआ है चार चार लोगों को, आपके इनबॉक्स में भी रहेगी, आपके सेंड बॉक्स में भी रहेगी, जिसके बॉक्स में जाएगी गूगल पे, और आपने 200 ईमेल्स कर दी, ठीक है। तो 200 ईमेल्स को अगर आप एवरेज 12-13 MB की ले लें तो कोई 3 GB के अराउंड आपका ये एक ही अकाउंट ले रहा है सिर्फ इन 200 ईमेल्स का, ईमेल उसके 700, लेकिन वो 700 ईमेल प्रॉब्लम नहीं कर रहे, टोटल 4 GB स्पेस यूज कर रहा है, और 4 GB में 200 GB 80% स्पेस यूज कर रहा है, और बाकी उसकी 200 में से 500 ईमेल्स 1 GB यूज कर रहा है, ठीक है। और जो 200 ईमेल्स अटैचमेंट मैंने कंप्रेस करके देखिए फॉर्म में होता क्या, आपके सामने एक्सेप्शन टाइप आप रिपोर्ट करा के बैठते हैं, नहीं हुआ अपनी रिपोर्ट में, रिपोर्ट बनाई साथ आपने, अब आप क्या करते हैं, आपने फोटो लिए एक अच्छे कैमरे से, जिस कैमरे की एक फाइल 10-10 MB की है, वो हाई डेफिनेशन है, 10 MB की नहीं भी है तो चलो 2-2 MB की है, तो 2-2 MB की आपने 10 फोटो भी लगाई तो 20 MB हो गए, तो 20 MB तो फाइल ने ले लिया, अब उसने आपने उसको सेव एज वेब डॉक्यूमेंट नहीं किया। अच्छा, सेव एज वेब डॉक्यूमेंट कर, वेब डॉक्यूमेंट में उसकी रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन उसकी रेजोल्यूशन 6000 से 97 पे आ गई, 6000 से 100 पे आ गए, 100 पे आ गए, तो जस्ट अमेजिंग के स्पेस का फर्क कितना बड़ा। सेव एज वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट, वेब पे क्या करते हैं उसकी रेजोल्यूशन कम करते हैं, ओके। अब इस पे देखें आप 100-150 रखें, अगर आपने प्रिंट नहीं निकालना सिर्फ स्क्रीन पे, अगर आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है आप चाहते हैं प्रिंट भी करेंगे तो उसको मैक्सिमम 200 MB करने या 300 पे करने या 300 पे करने, वो प्रिंटेबल है डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप उसको 6000 पे देने की जरूरत नहीं है, 200 तक ठीक है, 200 तक ठीक है, 6000 भी तक ही भी चले तो भी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज पर डॉक्यूमेंट ही जाएगा, सही, ये हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, उसको हमने एक दफा ना प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारा ईमेल सेंडर है वो ये काम हर सूरत करे, और हम लोग इस तरह के ट्रबल्स कि आपने 4-5 GB से ऊपर दिया, उसको डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करें, कंप्रेस करके देंगे, ठीक हो गया। आपकी पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ल्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इवन PDF, इवन वीडियो, आप उसको कंप्रेस करिए, आप देख सकते हैं, राइट, कंप्रेस किए बगैर भेजेंगे, अनकंप्रेस होगा तो वो साइज स्पेस सेंट आइटम में भी पड़ी रहेगी, इनबॉक्स में भी पड़ी रहेगी, दूसरे के भी जहाँ पे भी वो, ठीक है, तो वो मल्टीपल कॉपीज बनती है, ओके, ठीक है, यानी आप अनवांटेड लोगों को सारी ना देखें। अच्छा, अब देखें, अब ईमेल्स चलती किस तरह से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमें स्पेस स्टेशन नहीं, हमें अपना एक एक रिकॉर्ड चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मल्टीनेशनल में हम लोग काम करते रहे तो वो लोग वो तो इसमें कम्प्रोमाइज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कम्प्रोमाइज करेंगे, बिल्कुल, वो वहाँ पे उनके एक्सपेंस का भी इशू नहीं होता, बिल्कुल, उनके डाटा का भी इशू नहीं होता, राइट, बिल्कुल, वो कहते हैं हर चीज़ रिकॉर्ड में रहे, बेसिकली हम भी शायद उसी कल्चर से आए हैं ना, तो हम में से मेरे समय कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब मुझे जरूरत हो तो मैं मुझे पता है कि मैंने ये जो डिवाइस थी कंपनियों ने ये जो कंपनियों ने अपने हाथ बर्न करके ये चीजें सीखी, अगर कोई कंपनी हैवी चीजें पे कर रही है, एक कास्ट केयर कर रही है, तो वो ग्लव नहीं कर रही, ठीक है। रीजन क्या होता है कि कंपनियों में, जिन कंपनियों में 500 एम्प्लॉइज हैं और उसमें 30% रेशो एम्प्लॉइज के आने जाने की है, आता है चला जाता है, फिर आता है चला जाता है, right. अब जैसे मुझे सऊदी अरब में कंपनी में पर्सनल ईमेल यूज करना अलाउड ही नहीं था,
इलीगल, ठीक है, उसकी रीजन ये थी कि मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी अमेरिकन कंपनी से। अगर मैं ड्रॉप कर जाता हूँ तो उनका तो उनके तो एग्रीमेंट 30 साल के एग्रीमेंट हो सकते हैं, कैसे दूसरा आगे टेक ओवर कर सकते हो जब रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं। और दूसरा ये होता है कि जब आप बाहर की कंपनी को सब डील कर रहे हैं तो वो उसका यानी अगर वो मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर चल रहा है तो मार्केटिंग मैनेजर 10 बदल जाते हैं, पूरी दुनिया में वो डील कर रहे होते हैं, तो उनका वो रजिस्टर्ड ई मेल के अलावा किसी तरह पाई नहीं करते, उनको अलाउ ही नहीं होता कि अगर मैं पर्सनल ई मेल से कहूँ कि मैं फलां कंपनी में रहा हूँ तो हम आपसे सर्विसेज लेते रहे तो आप मेरे साथ डील करें, ये इलीगल है। ठीक है, आपका एक मार्केटिंग मैनेजर आपके पूरी टीम के साथ इन्वॉल्व है, पूरे नेटवर्क में इन्वॉल्व है और जाते हुए वो आपके मेल, हमारी एक कंपनी है उस कंपनी का एक अकाउंट यूज हो रहा था जी मेल, पासवर्ड ही भूल गए। 20 साल की कॉरेस्पॉन्डेंस है जी मेल के ऊपर और जिस बंदे के हाथ में है वो गया, उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी गया, उनका सारा कुछ एक अकाउंट की वजह से। अब कोई अगर हमारे पास शबीर 05 का जी मेल का अगर चल रहा है वो अगर आप भूल जाते हैं, कोई ले जाता है, कोई भूल जाता है तो गया खत्म। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? अब वो आपका जी मेल अकाउंट ऑफिशियल अकाउंट के तौर पे हर जगह रजिस्टर्ड है, अब वो अगर मिस यूज हो जाता है आप क्या करेंगे? बिल्कुल हैक भी तो सही बात, तो आप वो कैसे आप एक ऐसे बंदे को दे सकते हैं? इसीलिए कंपनीज इस बात पे रिस्क नहीं कभी भी नहीं करती, कोई अच्छी प्रोफेशनल कंपनी तो गोया हम लोग जैसे आपका इन्फो है या जिसके ऊपर आप बैंक से, अब देखिए बैंक आपको पर्सनल अकाउंट नहीं लेते, कहते हैं कंपनी का इन्फो एड वाला ऑफिशियल दे रजिस्टर्ड ही नहीं होती, अब ये रिस्ट्रिक्शन रखनी है कि आपका ऑफिशियल बाहर आप भेज रहे हैं, कंपनी आपके आपके ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के अलावा एक्सेप्ट नहीं करती, उसके ऊपर आपको देती नहीं है, चीज़ें नहीं देती, उसके ऊपर फंक्शन सेमिनार नहीं करवाते पर्सनल के ऊपर, क्योंकि वो उनका डोमेन डिफरेंट आ गई ना, जहाँ पे वो ऑफिशियली इंगेज कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आपने ये देखना है, जैसे आप कॉर्पोरेट में अगर अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पे आप ये कर रहे हैं, आप इन्फो से आपकी ई मिल जाएगी और वो दूसरी को वो स्पैम में डालेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसमें लिस्ट बनाई होती है कि सिर्फ अप्रूव्ड वेंडर ही ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जहाँ पे आप अप्रूव्ड वेंडर के तौर पर हैं वहाँ दूसरे को रिप्लाई नहीं करेंगे, ले लेंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सब नहीं लेंगे, लेकिन ये पॉलिसी होती है कि उसके अलावा रिप्लाई ही नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे मैं सऊदी अरब में था, अगर मैं पर्सनल से ईमेल करना शुरू कर दूँ, मेरी तो वहाँ की डोमेन ही नहीं, अथॉरिटी ही नहीं है, अब वो वहाँ से आ रही है, लाखों ईमेल आते हैं जहाँ, तो उन्होंने फिल्टर लगाए होते हैं कि अप्रूव्ड वेंडर से वो कर सकते, तो लाखों ईमेल को मेंटेन कैसे करेंगे, उसी भी ब्लॉक करते हैं या अनराउटेड चली जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो गोया अभी हम लेकिन इसमें एक और चीज़ भी मैं इसको, जब आप यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट स्पेशली या ईमेल को भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पीसी मेंटेन होने चाहिए, पीसी मेंटेन होने चाहिए कम से कम 8th generation। अच्छा, ठीक है, यानी कम से कम 2018-20 वाला, 2010-11 वाला नहीं। अब क्या होता है उसके ऊपर आपकी विंडो या अपडेटेड नहीं है, विंडो आप और एंटीवायरस इनेबल विंडो चलेगी उसके ऊपर, जब आप विंडो पुरानी यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पुराने यूज कर रहे हैं, क्रैक की आती यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप ईमेल भी वहीं से यूज कर रहे हैं, तो वो तो वायरस भेजेगी। अच्छा, वायरस अब उसकी रीजन ये होती है कि आपका आपके जो ईमेल आईडीज हैं वो कुछ सर्टन एरिया से अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, वो उसको स्पैम के तौर पर लेता है, इसलिए कि आप आपके पीसी वाइट नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो अथॉरिटी होती है, ये एक अच्छी क्लीन साइट है, इस रेटिंग में आपके रेटिंग में आएगी। अच्छा, ये भी एक ट्रबल है कि जब हम देखें, मैं आपकी आपका सी पैनल है सपोज, मैं किसी लो प्रोफाइल सिस्टम पे आपकी वेबसाइट कभी ओपन नहीं करूंगा जिसके अंदर वायरस पड़ा हो, सीधा सी पैनल में चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो हम हमेशा चीज करते हैं प्रीमियम यूज। ठीक है, अब मैं आपको यानी पहले तो ई मेल की हमें क्लियर हो गई कि आप उसके डाटा को अंडरस्टैंड करें और उसको नीट क्लीन रखें और उस तरह से यूज करें अगर आपने कॉर्पोरेट में मूव करना है, अदरवाइज आपकी ई मेल्स की प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप एक इन्फेक्टेड पीसी से आप ई मेल करेंगे, उसको स्पैम के तौर पर ले जाओ और फिर वो भी लैगी करने या स्लो करने या स्पेस ज़्यादा फिल करने में भी हो सकता है, क्योंकि जब ये जाएगा तो उसकी स्पैम क्रिएट होगी, वो स्पेस फिल होगी आपके पीसी की, तो अननेसेसरी चीज़ें यूज होंगी। मतलब पीसी
आप अपग्रेड कर रहे हैं, आप एक अपने आप को एक अच्छे कल्चर में लेके आ रहे हैं कॉर्पोरेट में, आप चाहते हैं पीसी पुरानी रहे, मशीनें पुरानी रहे, बहुत जल्द पॉसिबल ठीक है। फिर जो चीज़ें ही हैं, डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, कंप्रेस करना, ज़रूरत की ईमेल्स रखना, दूसरों को रिमूव कर देना ठीक है। ईमेल के अंदर भी आप मेंटेन करते हैं, वॉइस 700 ईमेल्स क्या कर रही हैं उनके अकाउंट में, चार जो 4 GB यूज़ कर रहे हैं 700 ईमेल क्यों, अगर ज़रूरी ही 200 हैं तो बाकी वाई भी राइट, तो वो 2 GB यानी स्पेस कंजर्वेशन हो सकती है ना भाई। आप जी 80% यूज पूरी कंपनी की स्पेस लेके बैठे हैं, 10-12% मुझे नहीं पता रहा, एक बंदा आपके सारे रिसोर्स यानी पूरी कंपनी यूज कर रही है 2 GB यानी 2 GB आप निकाल दें बाकी आपके पास कितना रह गया 5 GB में से 4 GB एक बंदा यूज कर रहे हैं और 1 GB पूरी कंपनी यूज कर रहे हैं। अच्छा ये इसके सबसे बड़ा है, एक ही बंदा है राइट ठीक है, हो सकता है कि वो बंदा इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसकी जरूरत है 10 GB, और फिर उसके बाद ये है कि 6 months old आप delete कर देने चाहिए, अपने machines को upgrade करें, machines को upgrade करें, clean करें, attachments आप clean करने चाहिए, document आप बनाते हैं, document आपका compressed नहीं होता proper क्योंकि वो infected है, वो साथ आपके डॉक्यूमेंट उस क्वालिटी के बने ही रहे, आपने जो नेट से उठाया था कपिट करके जिप करके बन ली फाइल इन्फेक्टेड होगी तो फाइल बना जाएगी प्रॉब्लम में आएगी। अच्छा और अच्छा फिर क्या होता है, डिलीट भी नहीं होती, फॉरवर्ड करते भी प्रॉब्लम में, हमेशा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं कि आपके डाटा के अंदर प्रॉब्लम है, डाटा क्लीनिंग नहीं है, मेंटेन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अब आप यानी स्पेस के हवाले से आ गए, अगर आप एक अच्छे लेवल पे कंपनी को लेके जाना चाहते हैं तो ये देखें स्पेस इस्तेमाल करने का मतलब ये है आप 10 GB यूज कर रहे हैं, और अगर 10 GB आपको बेनिफिट्स दे रही है तो 10 GB महंगी नहीं है, लेकिन अगर फॉर नन फील है तो जरूरत क्या है, बिल्कुल ठीक जरूरत है तो लोग 100-100 GB भी इस्तेमाल करते हैं, जरूरत नहीं है तो 10 GB भी क्यों, 100 GB भी क्यों, बहुत ज्यादा ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट करने हैं, देखिए ना लोग वेबसाइट नहीं बनवाते, उनका बिजनेस चल नहीं, मतलब हमारा पहले बिजनेस चल रहा था ना लेकिन अगर अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो आपको चीजें चाहिए, तो वो चीज अपडेट ठीक है। अगर आपने अपने लोगों को कॉरेस्पॉन्डेंस करवानी है अपनी ईमेल के जरिए अच्छे, अब देखे ना क्लाइंट भी नहीं खोलता 20 MB की फाइल, वो भी उसको पता है कि किस कंपनी से आ रही है, ईमेल करनी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर आप 5 MB से ऊपर की फाइल होंगी परमिशन देते हैं कि सर ये फाइल आ रही है इसको पढ़ के डिलीट कर, हाँ डिलीट कर दे, नहीं तो एक और भी दूसरी ये होती है कि रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है इससे ज्यादा जा ना सके, हम इसको वहां पे रखें, सर इसी चीज़ होती है कि ड्रॉप बॉक्स में रखना, ड्रॉप बॉक्स में रखें आप इसको, यानी आपके पास वेब स्पेस होती है, आप उसमें जाते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रैंडम डॉक्यूमेंट्स हैं आप गूगल ड्राइव पे भी रख सकते हैं, आप अपनी ड्राइव पे भी रख सकते हैं, अपनी वेब ड्राइव में भी रख सकते हैं, वहाँ पे जस्ट रन कर दिया उसके बाद, बिल्कुल वो मेरा ख्याल है बेस्ट सोल्यूशन है, तो यानी ये सारी ऑप्शन। अच्छा अब ये चीज़ हम अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमें प्रैक्टिकली जो है ना एक सेशन ऐसा दे दें जिसमें हमारे जो की पर्सनल है वो बैठ के आपके साथ ही या आपके किसी एक्सपर्ट के साथ, नहीं मैं जो मैंने लाहौर में सेशन वो हमें तकरीबन घंटे 2-3 घंटे का एक सेशन करें, बेशक हम जूम पे कर लें या ऑफिस में मतलब अरेंज कर दिया जाए ताकि हमारे जो की पर्सनल है वो इन चीज़ों को सीख लें, ट्रेनिंग होती है सर देखें ना वो मतलब हाउ टू ऑपरेट, देखिए पहली चीज तो ये चीज़ें हमारे पास है, गाड़ी तो है, पहली चीज ये है गाड़ी तो आ गई ना, गाड़ी आ गई उसका लाइसेंस भी ले लिया हमने, हम चाहते हैं कि भाई गाड़ी चलाना तो सही से सीख लें ना, वरना तो हम नुकसान ही करेंगे अपना भी गाड़ी का भी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है सीखने के कैसे, हाँ और अपॉर्चुनिटीज ये आपसे उनके पास आई है ठीक है ठीक है, उन्होंने पहले अगर इस तरह से हैंडल नहीं किया तो अब चीज़ें बस ये हम सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ा सा इसके लिए ना एक छोटा सा सेशन हमारे की पर्सनल वो बैठेंगे और ये जो आपने 6-8 पॉइंट्स बताए हैं इनको हम हैंड्स ऑन करवा दें, हर बंदा बैठ के अपने अपने लैपटॉप ले करे, हर बंदा अपने अपने लैपटॉप को साथ लेके बैठे और उस पर हैंड्स ऑन खुद करे आपके सामने, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमें इस प्राइमरी लेवल की, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस प्राइमरी लेवल की ओरिएंटेशन की ज़रूरत है,
और ये हम आपसे सपोर्ट लेंगे, मतलब ये आपने हमें रिफ्यूज नहीं करना, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो वी विल डू दैट। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का, आज आप आए हुए थे हमारे पास, तो आई जस्ट गॉट यू, आई कॉट यू, तो मैंने कहा चले एक छोटा सा सेशन हमारा कर लिया। तकरीबन यही था इसके अंदर, यानी मेन मेन चीज़ें मेरी डिस्कस करनी थी, मगर तकरीबन हमारा सारा हो गया। आगे देखें, बात यह है कि आप लोगों की एफर्ट्स के और इनपुट के बगैर ये खड़ी रहेगी ना सभी, हमने लेके खड़ी कर दी गाड़ी, अब चला नहीं रहे ना उसको यूटिलाइज करना है, फैसिलिटी को आपने यूटिलाइज करना है, उसको ज्यादा इम्पावर करना है, ज्यादा पावरफुल करना है, ज्यादा लोगों तक इसकी एक्सेस देनी है, अपने क्लाइंट्स तक एक्सेस देनी है, कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप ठीक है, आपने हमें ऐसा सोल्यूशन देना है जैसे इन हाउस हैंडलिंग ऑफ वेबसाइट है ना सर, वो जिस तरह आप यूनिक का कर रहे हैं ना, मैंने तो आपका एक दो दफ़ा विजिट किया है, तो जिस तरह यूनिक के अपने एम्प्लॉइज जो है वो अपने अपनी वेबसाइट पर अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया की 2-3 लाख की उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है मंथली। वेरी गुड, अच्छा आप डाल रहे हैं, नाइस नाइस, तो बस उनकी 16 लड़कों की, चले हमने भी सीखना है, 16 लड़कों की टीम है, उनका डिजाइनर इन हाउस बैठता है, वीडियो फोटोग्राफर वीडियो रिकॉर्डर इन हाउस बैठता है, ठीक है, उनका कॉन्टेंट राइटर उनकी अपनी अलग टीम है, लिखती उनकी जो लिखती है सारा करता है, ठीक है, इवेंट्स की ट्रेनिंग होती है, उसकी रिपोर्ट्स अलग लगती हैं, ठीक है, लाइक फुल स्केल स्टूडियो, ठीक है, उनकी पूरी कोई नया कैंपस खुलता है वहाँ पर उनकी टीम जाती है, पूरी टीम जाके इनकी न्यूज लेती है, उसकी स्टोरियाँ बनाती है, उसको कवर करती है, उसको ला के सोशल मीडिया पर रखती है, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट है, अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे उनकी अभी 150 से ऊपर बढ़ सकती है, तो वो अपनी कैसे चलेगा, तो वो 150 से ज़्यादा सिर्फ लाहौर में ब्रांच है, लाहौर में, माशाल्लाह, वेरी गुड, चले ठीक है सर, इसके लिए जो है ना वी विल सेट विद यू सर, ओके, मैं बिल्कुल सर इसको एडमिट करता हूँ कि चीज़ हमारे पास है, हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे या फुल फ्लैज इससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो मतलब ये जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम इसको एंजॉय कैसे करेंगे, तो दिस इज द हम उससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द टाइम, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।